पिला माने समस्त को स्वागत आज ओडिया क्लास को देख आज आम पढ़ा व्यंजन वर्ण आ पूर्व पीरियड आम पढ़ी वर्णमाला आम पढ़ी जे वर्णमाला दुई भाग विभक्त कौन ना स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण आम आर पीरियड आलोचना कर स्वर वर्ण विषय पढ़ी ताले एबे आम देखा व्यंजन वर्ण विषय पढ़ा तबे व्यंजन वर्ण देख आम देखा व्यंजन वर्ण क्या कहते व्यंजन वर्ण केते भाग विभक्त आज आम पाठ पढ़ा अच्छा जदि आम पाठ पढ़ा देख प्रथम आम देखा व्यंजन वर्ण क्या कहते व्यंजन वर्ण क्या कहते ना देख उच्चारण बेले आम काकली ओठ पर्यंत ओठ भितर कौन स्थान पवन बाधा किंबा संघर्ष सहित निर्गत हेले बा उच्चारण हेले निर्गत हेले बा उच्चारण हेले ताहले ताकु कुआ जाय कोन अंतर उच्चारण बेले अंतर्मुखी हेले सेई ध्वनि को कोन कुआ जाय ना व्यंजन वर्ण कुआ जाय ताले देखो पिला माने मु आउ थरे कहू छी उच्चारण बेले कहा को उच्चारण बेले ध्वनि ध्वनि को उच्चारण कला बेले काकली ठारू ओठ पर्यंत काकली कहले कंठ कंठ पाखरु ओठ भितरे कौनसी स्थान रे पवन बाधा किंबा संघर्ष सहित निर्गत हेले बाधा पाइब संघर्ष करिकि निर्गत हबो ताहले उच्चारण कौन हम ना उच्चारण अंतर्मुखी हम ताले अंतर्मुखी हेले उच्चारण कौन ध्वनि उच्चारण बेले वायु संघर्ष करी अंतर्मुखी हेले ताकु कौन कुआ जाए ना जो ध्वनि उच्चारण हुए से ध्वनि लिखित रूप को व्यंजन वर्ण कहा जाए आमे जानते ध्वनि कौन ध्वनि लिखित रूप है वर्ण ध्वनि लिखित रूप है वर्ण आम पूर्व पढ़ी आम जानते एठे आम जान ले कौन ना जो ध्वनि उच्चारण कला बेले काकली ठारु कंठ पर्यंत वायु निष्कासन आम गोटे शब्द उच्चारण कला बेले आम कौन भितर पवन बाहरी आस पवन बाहरी आसिक शब्द सृष्टि करो वायु बाहर ये वायु बाहर बेले जदि संघर्ष सहित निर्गत हुए बा उच्चारित हुए वायु निर्गत हुए बा उच्चारित हुए किभली भाव ना संघर्ष सहित द्वारा कौन हुए ना ताहा अंतर्मुखी हुए अंतर्मुखी हेले से जो ध्वनि सृष्टि हुए से ध्वनि लिखित रूप है व्यंजन वर्ण ताले बुझिल व्यंजन वर्ण क्या कहा जाए अच्छा देखो व्यंजन ध्वनि व्यंजन स्वर एठी आमे व्यंजन व्यंजन ध्वनि स्वर हला कौन ध्वनि व्यंजन ध्वनि ताहले ता सहाय्य रे उच्चारित हुए ताले व्यंजन वर्ण का सहाय्य रे उच्चारित हुए ना व्यंजन ध्वनि सहाय्य रे उच्चारित हुए ताहले देख ओडिया भाषा रे आमर कथन धारा रे आमे आ पूर्व पीरियड रे आमे आलोचना कइछेंदी ओडिया भाषा रे ओडिया कथन धारा रे आमर 33 टी व्यंजन वर्ण अछि आ पूर्व रु आमे आलोचना करिछेंदी जे 33 टी व्यंजन ध्वनि रहिछ व्यंजन वर्ण है एटा व्यंजन ध्वनि ए 33 टी है कौन ना व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनि है 33 टी किंतु व्यंजन वर्ण रही केते ना 39 टी व्यंजन वर्ण रही केते ना 39 टी आमे आ पूर्व पीरियड रे आलोचना करिसंती को को अक्षर यार व्यंजन ध्वनि रे अछि आ को अक्षर व्यंजन वर्ण रे अधिक अछि आमे आलोचना करिसंती जे एथि 33 टी थिला बेले एथि 39 टी रहिछि जे 6 टी अक्षर रहिछि से विषय रे आमे आलोचना आ पूर्व पीरियड रे करि सारिछंती एबे आउ आमे से विषय रे आलोचना करिवानी त माने जानिथिबो बुझिछ आउ मोर आउ कहिबार से विषय रे नै किंतु एथि आमे आलोचना आज आमे आलोचना कोन करिबा ना देख व्यंजन वर्ण को आमर 3 भाग रे विभक्त करा जैछि कोन ना एक रहला वर्ग्य वर्ग्य व्यंजन एक रहला वर्ग्य व्यंजन वर्ण दुई रहला अवर्ग्य व्यंजन वर्ण
अवर्ग्य व्यंजन वर्ण तीन रहला कौन मिश्रित मिश्रित व्यंजन वर्ण बा अजोग बाह व्यंजन मिश्रित बा अजोग बाह अजोग बाह व्यंजन वर्ण ताले देख पिला माने ताले आमर जो व्यंजन वर्ण हला केतेटी अक्षर ना मोट रहला 39 टी अक्षर एई 39 टी अक्षर को देख आमर तीन भाग रे विभक्त करा जाय छी कोन से तीन भाग रे ना वर्ग्य व्यंजन वर्ण अवर्ग्य व्यंजन वर्ण आउ कोन ना मिश्रित बा अजोगत्व बाह व्यंजन वर्ण ताले जानिलो अच्छा ताले वर्तमान आमे आलोचना कोन करबा ना वर्ग्य व्यंजन वर्ण आमे वर्तमान आलोचना करबा वर्ग्य व्यंजन वर्गीय व्यंजन आम बर्तमान आलोचना करिया वर्गीय व्यंजन आमर होची कोठु ना क ठारु म पर्यंत क ठारु म पर्यंत हला कोन ना वर्गीय व्यंजन ताले एई वर्गीय व्यंजन देख आमे देखिबा गले वर्गीय व्यंजन रे रहिची कोन ना 25 गोटी वर्ग्य रहिची आमर कोन वर्गीय व्यंजन वर्ण रे आमर 25 गोटी वर्गीय वर्ण रहिछि 25 गोटी वर्गीय वर्ण रहिछि ए जो 25 गोटी वर्गीय वर्ण रहिछि से विषय रे देख आमे जानिले क ठारु म पर्यंत अच्छा ताले आमे बर्तन देखिबा ए जो 25 गोटी वर्गीय वर्ण रहिछि ता विषय रे आमे देखिबा कोन ना क ठारु म पर्यंत देख प्रत्येक को केतक वर्ग रे विभक्त कराई केमिति पांच जो जो 25 टी अक्षर को ए जो 25 टी रहला वर्ग वर्ण रहला केते 25 टी वर्ण रहला ए 25 टी वर्ण को पांच भाग रे विभक्त कराई यदि पांच भाग रे विभक्त करा हला ताले गोटे वर्ग रे केते पड़िला पांच टी अक्षर पड़िला ताले ए जो पांचटी लेखाए प्रति भाग रे पांचटी लेखाए अक्षर पड़िला से देखिबा कि भली भाव रे वर्गीय व्यवस्था करा जाय छी अच्छा देख पिला माने वर्ग जो ए जो आमे पढिले वर्गीय गण ना वर्गीय व्यंजन वर्ण हला क ठारु म पर्यंत 25 गोटी वर्ण को लेके कोन वर्गीय व्यंजन सृष्टि ताले वर्गीय व्यंजन को पांच भाग रे विभक्त करा जाय छी काहे कि पांच भाग रे देख पिला माने आमे बे पढिबा वर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन को पांच भाग रे विभक्त करा जाय छी आमे जानले वर्गीय व्यंजन हला केते ना 25 टी व्यंजन को लेकी वर्गीय व्यंजन है छी आको काहे कि वर्गीय व्यंजन को जे ना ए वर्गीय व्यंजन जो 25 टी रहला वर्ण ताको पांच भाग रे विभक्त करा है छी पांच भाग रे को अनुसार विभक्त करा है छी ना से सेमानकर स्थान अनुसार आ सेमानकर उच्चारण अनुसार सेमानकर स्थान ओ उच्चारण अनुसार ताको गोटिए गोटिए वर्ग बा गोटिए गोटिए कोन श्रेणीभुक्त करा जाय छी ए जो श्रेणी गोटिए गोटिए श्रेणीभुक्त बा वर्णभुक्त हे चंदी सेति पई सेमानको गोटिए वर्ग रे सेमाने स्थानित हेतिबरु आश्रित हेतिबरु तांको वर्ग्य व्यंजन कुहाउ छी ताले को पांच भाग रे विभक्त करा हे छी कोन क च ट क प क च ट त ए पांचटी वर्ग रे 25 टी वर्ण को विभक्त करा हिची ए प्रत्येक अनुसार एमन को अनुसार ना आरो उच्चारण अनुसार स्थान उच्चारण धर्म अनुसार एमन को उच्चारण करा हिची देखो आगे हम आलोचना करबा क वर्ग रे रहिचे पांचटी अक्षर कोन ना क ख ग घ ये हला कोन ना आउ उ क ख ग घ उ ये हला पांचटी अक्षर ये हले कोन ना क वर्ग रे एमाने हेले सदस्य क ख ग घ उ ये पांच जण हेले पांचटी व्यंजन वर्ण हेले क वर्ग रा सदस्य एको आमे उच्चारण कला कोठ उच्चारण करचोंदी ना देखो कंठ पा क ख ग कला के उच्चारण होची त माने उच्चारण कर देखो क ख ग घ उ किंतु च उच्चारण कला को एठो होउनी तेनु एमाने हेले कोन ना कंठ वर्ग एमान को कुआ गला कोन ना कंठ वर्ग ता परे आसला च
দেখো চ আসলে কি চ ছ জ ঝ নিয় তাহলে এই যে চ ছ জ ঝ নিয় চ ছ জ ঝ নিয় আকু আমি উচ্চারণ কলা বেলু কোঠ আসছি তালব্য আম তাল পাখুরু উচ্চারণ হচ্ছে তেমন এটা হল কোন তালব্য বর্ণ তালব্য বর্ণ তালব্য বর্ণ তাহলে এই তালব্য বর্গ আসলা কোথু না আমার চালু তালু পাখুরু চ ছ জ ঝ এটা হচ্ছে কি হৌনি তুমি তালু পাখুর চালু তারপর আসলা দেখ ক চ ত ত বর্গ আসলা ত বর্গের ট ঠ ড ঢ মূর্ধন ইয়ে পাঁচ জন হলে কি পাঁচ বর্গ হলে আমার ত বর্গর সদস্য এমানকর উচ্চারণ আমি কোথু করছেন দেখ মূর্ধনা মূর্ধন্য মূর্ধন্য কোন না দেখ ত ঠ ড ঢ আম তন্টি উপরক পাটি ভিতরক মূর্ধনা পাখরে আমার উচ্চারণ হচ্ছে তেমন আ না হল কোন না দেখ মূর্ধন্য বর্গ মূর্ধন্য বর্গ এমানে হলে তাহলে ট বর্গ হল মূর্ধন্য বর্গ তারপরে পচ ট ত তারপরে আসে আমি ত পাখি ট হল কোন সরি ত চ ট ত পরে আসলা ত থ দ ধ দন্তেন ইয়ে পাঁচ জন হলে ত বর্গর সদস্য এমানক আমি কোঠ উচ্চারণ করছেন না দেখ দন্ত বর্গ ত থ দ ধ দাঁত পাখুর করছেন তেমন এমানে হলে কোন না দন্ত বর্গ এমানে হলে দন্ত বর্গর সদস্য তারপরে দেখ আমি আসবা প পাখুর পর সদস্য হলে কি না প খ ব ভ ম হলা ইয়ে পাঁচ জন হলে প বর্গর সদস্য আকু আমি কোঠ উচ্চার প ফ কলা ওঠ বাড়ি দিচ্ছি তেমন ইয়ে হল কোন না ওষ্ঠ তাহলে বুঝিপারল পিলা মানে দেখ আমার বর্গীয় ব্যঞ্জন বুঝিপারল বর্গীয় ব্যঞ্জন হচ্ছে ক ঠারু ম পর্যন্ত 25 গোটি বর্ণকু নেকি গঠিত এমানকর উচ্চারণ অনুসারে এমানকু পাঁচ ভাগরে বিভক্ত করা হইছি পাঁচ ভাগরে বিভক্ত করা হইছি যো পাঁচ ভাগরে বিভক্ত হেলা সেমানে তাঙ্কর উচ্চারণ অনুসারে তার ধ্বনি র সৃষ্টি অনুসারে সেমানে কোন হইছন্তি না গোটিয়ে গোটিয়ে বর্গরে স্থানিত হইছন্তি বা আশ্রিত হইছন্তি সেইয়াকু কোন কোয়াজে কচট তপ কচট তপ আমার ক হেলা কোন না কণ্ঠ বর্গ চ হেলা তালব্য বর্গ ট হেলা মূর্ধন্য বর্গ ত হেলা দন্ত বর্গ প হেলা উঠ বর্গ জানল তাহলে তাহলে কোড কোড উচ্চারণ হচ্ছে জানল আমার কণ্ঠর উচ্চারণ হচ্ছে তালুর উচ্চারণ হচ্ছে মূর্ধনার উচ্চারণ হচ্ছে দাঁতর উচ্চারণ হচ্ছে ওঠর উচ্চারণ হচ্ছে আমি পড়িলে যে ব্যঞ্জন বর্ণ আমার কোন কাকলি ঠারু ওঠ পর্যন্ত যে বায়ু কোন নিঃশ্বাস উচ্চারিত হেলা বেলে যে সংঘর্ষ কোন সংঘর্ষ সহিত নির্গত হুয়ে বা অন্তর্মুখী হুয়ে তাকু ব্যঞ্জন বর্ণ কুহাযায় তাহলে বুঝিপারল বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ আচ্ছা এই যে বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ বিষয়ে আমি কিছু কথা মনে রাখিবা আচ্ছা বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ বিষয়ে তো লিভাই দে তোমাকে দেখ প্রত্যেক বর্ণর স্বতন্ত্র উচ্চারণ অছি অছি না নাই যেমিতি আমি কইলি ক র উচ্চারণ যেমিতি ক হচ্ছে আমার কণ্ঠ পাখরু কচ চ র উচ্চারণ আমার কোন আমার উচ্চারণ হচ্ছে তালু পাখরু কচ ট র উচ্চারণ হচ্ছে আমার মূর্ধনা পাখরু কচ ট ত র উচ্চারণ হচ্ছে দাঁত পাখরু প র উচ্চারণ হচ্ছে ওঠ পাখরু তাহলে প্রত্যেক ধ্বনির উচ্চারণ কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ রয়েছে কাহারি উচ্চারণ ক বর্গর উচ্চারণ ট বর্গ ভাই নুহে কি প বর্গ ভাই নুহে প্রত্যেক বর্গর উচ্চারণ স্বতন্ত্র আমি জানিলে একথা মনে রাখবা কে কাহ মিশিবে তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেখ প্রত্যেক বর্গরে পাঁচটি বর্ণ অছি না নাই করে পাঁচ কচরে পাঁচ টরে পাঁচ পরে পাঁচ কচটা তপ সবুথে পাঁচ পাঁচটি অক্ষর অছি মু গণিকি দেখাই দেইছি তোমাকে তারপরে দেখ আমি জানিলে যে আরম্ভ যে প্রথমে যে রয়েছে কোন ক বর্গরে ক বর্গ রয়েছে ক খ গ ঘ উ উ রয়েছে আচ্ছা সেমিতি তারপরে চ বর্গ রয়েছে চ ছ জ ঝ নিয় নিয় রয়েছে আচ্ছা তারপরে দেখ ট বর্গরে ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য
अच्छा ए जो तीनटा वर्ण आम देखिले ये तीनटी वर्ण केबे भी कोउ शब्द रे देख आरंभ रे बसे नै तुमे मुह लगे कि कोनोसी शब्द जानि नथिबो तुमे नियम व्यवहार कर कि कोनोसी शब्द जानि नथिबो तुमे मूर्धन लगे कि भी कोनोसी शब्द प्रथमे लागि नथिबो परे लागि थिबो कोनोसी शब्द रा प्रथमे तीनटी वर्ण व्यवहार हेइ नथि आउ गोटे कथा मन रख जे व्यंजन रख नि व्यवहार प्राय अबिकल भाव कौटि ना ठीक जमी कमें कह कमल कटक सेमर कौटि से व्यवहार ना जमी कटक टर उदाहरण अच्छी व्यवहार अच्छी टर अच्छा निर कौन जगह उदाहरण ना तापर पिला माने आउ गोटे कथा तुम मन रख जे देख जे ड ढ आमे जो पढ़िले द आउ ढ दुई प्रकार उच्चारण किंतु तेणु स्वतंत्र पूर्ण मात्रा रे माने मौलिक मूर्धन्य गुण रही ड ढ ये दिटा हूँ कौन दूसरी अक्षर ना पूर्ण मात्रा रे मौलिक भाव मूर्धन्य गुण रे रही था आम मूर्धन्य पढ़ले ड ढ पूरा पूर्ण मात्रा से क्या निर्भर करती ना तेणु यह सब स्वतंत्र भाव चिन्हवाई दि जाए आज आम वर्ग्य व्यंजन वर्ण पढ़ले एवं आम पढ़ा अवर्ग्य व्यंजन बर्तमान आम पढ़ा अवर्ग्य व्यंजन वर्ण अवर्ग्य व्यंजन वर्ण कौन देख ओडिया भाषा रे केतेक व्यंजन वर्ण उच्चारण स्थान और धर्म कौन थाए ना अलग अलग थाए आम जो वर्ण पढ़ले केतक वर्ण उच्चारण से पढ़ले पांचटा वर्गर से उच्चारण एका प्रकार जो आम पढ़ले कार कंठ पाखर कार तालु पाखर कार मूर्धना पाखर कार ओठ पाखर कार दात पाखर से पांच जनकर उच्चारण गोटे गोटे सामान गोटे गोटे वर्गर पूरा तेणु आम तो गोटे वर्गीभूत करदे कि अवर्ग्य व्यंजन कौन ना एम कहारी सहित कार जो उच्चारण सामान नुहे वर्णर उच्चारण स्थान सामान ना तेणु एम कौन वर्गर अंतर्भुक्त हो पारे तेणु कौन ना अवर्ग्य व्यंजन वर्ण ताले अवर्ग्य व्यंजन वर्ण कौन ना देख से पढ़ी वर्ग्य व्यंजन वर्ण था पचिश अक्षर एटी अवर्ग्य व्यंजन है अक्षर ना चौदह अक्षर ताले चौदह अक्षर कौन कौन देख ज य र ल तापरे कौन ना व र ल तापरे ल तापरे हला व तापरे हला स ताल पे स मुद्रे स दंते स ह ख एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस एगार ह ख आउ कौन रहला ना देख अनुसारे अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु हला एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस एगार बार तेरह चौदह हला चौदी ताने खेला कौन ज य र ल व स स स ह ख अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु ताने यही चौदह टी है कौन अवर्ग्य व्यंजन वर्ण एम कई का सहित तो कौन दलभुक्त हो पारे ना कौ दल आश्रय नहीं पारे एम उच्चारण हूँ समस्त समस्त स्वतंत्र तेणु एम अवर्ग्य देख आम जान लें अवर्ग्य व्यंजन वर्ण विषय जान लें आउ गोटे कथा देख अवर्ग्य व्यंजन वर्णर स्वरूप और प्रकार आम व्यंजन वर्ण स्वरूप प्रकार पढ़ले पांच प्रकार एवं देखा अवर्ग्य व्यंजन वर्ण स्वरूप अवर्ग्य व्यंजन वर्ण स्वरूप कौन ए जो ज आउ यो ज आउ यो ज यो दुईटी ए दुईटा वर्ण किंतु ज प्राय समय ए ज प्राय समय वर्ग्य ज भली उच्चारण हुए ए ज टी प्राय समय वर्ग्य ज भली उच्चारण होई थाए तेणु एथि आमे कोन करिबा आउ कौन हुए ना केतक स्थान रे ज मध्य यो भली काम करे आउ केतक स्थान रे यो भली काम करे केमिति ना देखो आमे कहिबा संयम संयम को संयम पदि संयम रहला संयम अच्छा तापर सिमि देखो सिमि आमे कहिबा सहाय सहाय आमे त कहिबा सहाय्य सहाज्य सेमती आम कह कार्य
कार्य को आम कौन कहवा काय कहवा काय कहवा कार्य तेणु केतक क्षेत्र देख ज कौन हूँ ज भि उच्चारण हूँ कि कार्य कर काया दया एसब पर स्थान कौन हुए ना इटा ज भली हुए ना सब जगह हुए केतक जगार काया काया टा को कौन आम कार्य कर काया दया ये सब स्थान ज भली हुए ना ज भली हुए ना एठ हूँ स्वतंत्र देख रे जो तीन ट उच्चारण दृष्टि एम स्वतंत्र वर्ण रण वर्ण हूँ संपूर्ण भाव स्वतंत्र आसला कौन आम आसला ओडिया भाषा रे ओडिया शब्द रे प्राय ओर व्यवहार नहीं ओडिया भाषा ओडिया शब्द रे ओर व्यवहार ना किंतु केतक वैदेशिक शब्द रे ओर व्यवहार रही किमिति ना आम कह विकेट आम कौन कौन विकेट वारेंट वारेंट आउ कौन कहवा धर विकेट वारेंट ये सब शब्द रे आमे जो देवा वर उच्चारण अच्छी विकेट वारेंट एगुडा सब हूँ वार्ड एगुडा सब हूँ कौन वैदेशिक शब्द तेणु आम ओडिया शब्द रे वर उच्चारण ना आसला कौन स तालवेश दंतेश मुद्नेश तालवेश मुद्नेश दंतेश ये जो स ये हूँ अवर्ग्य काईकि ना देख उच्चारण बेले वायु गति रे कौन हुए ना उष्ण ध्वनि सृष्टि हुए सालबे सन्ते सुद्ने स उच्चारण कला कौन हूँ आम पार्टी भितर जमी गरम पवन बाहरी आस उष्ण ध्वनि भाई आमको स उष्ण ध्वनि भाई लगुच तेणु आपको कौन कह जाए ना उष्ण बर्ण कहे उष्ण बर्ण क्या कह जाए तालबे स मुद्ने स दंते स ये तीन टाला कौन ना उष्ण बर्ण बुझी पार पिला माने ताले उष्ण बर्ण जान लो आउ गोटे कथा देख आउ गोटे अक्षर आम थिला कौन क्षय एठे हमरा आउ गोटे अक्षर थिला क्षय आम क्षय विषय बर्तन आलोचना करिबा चौदटी अक्षर ना तापर रहा कौन क्षय क्षय पर्वटी हूँ कौन संस्कृत क्षय क्षय टा को संस्कृत कौन करती ना कयुक्त स कयुक्त स हला क्षय संस्कृत रूप से एटा प्रकाश पाए किंतु तार उच्चारण हूँ कौन ना देख खुक्त किंतु उच्चारण क्षय क्षयर उच्चारण हूँ कौन खुक्त इटा उच्चारण हूँ कौन ना इ हूँ इुक्त अक्त अला क्षय बुझीपाल कि आम जाने खुक्त इ युक्त इला कौन ना उच्चारण है क्षय एम क्षय उच्चारण है ये क्षय उच्चारण हूँ क्षय एम उच्चारण हूँ कि लेखा हूँ कौन ख सहित इशिला इटा कमी सृष्टि ना इशिकी इला ये सब मिसिकी युक्ताक्षर मिसिकी एट स्वतंत्र भाव सृष्टि तेणु ये स्वतंत्र भाव सृष्टि आपको क्या जाए कौन ना देख मिश्र वर्ण बा आमर कहुए आम पढ़े वर्ण तीन प्रकार अच्छा एठी आम जाने आउ गोटे आम रही वर्ण रहा कौन ना देख कौन अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु आउ तीन वर्ण आम रहा कौन ना देख विसर्ग तापरे कौन अनुसार तापरे कौन चंद्रबिंदु ये जो तीन टी रहा ये तीन वर्ग व्यंजन ये तीन हूँ वर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन कौन आम पढ़ी वर्गीय अवर्ग्य मिश्र वर्ग ताले ये है कौन वर्गीय व्यंजन आपको कहीं कहुची ना देख एठी स्वाधीन भाव एमाने कौठी कौन व्यवहार हो पारती कि साधारण जमी आम क्षय क सब उच्चारण कर स्वाधीन भाव कौटी व्यवहार हो पारती ना एम जोग हेले शब्द गठन हुए एमाने कौनसी वर्ण सहित जोग हो शब्द गठन रे सहायक करिथांती किंतु स्वाधीन भाव एमाने शब्द गठन रे सहायक हो पारि नाहांती तेणु एम को कौन कह जाए ना अजोग बाहक वर्ण एमाने हेले कौन अजोग बाहक वर्ण
बाजे बा अन्य अर्थरे कहिबाकु गले एमाने जेहेतु अन्य वर्ग को आश्रय करिकि रूप पाइथांती तेणु एमानकु आश्रित व्यंजन कहजे आमे पढ़थिले वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन आश्रित व्यंजन बा मिश्र व्यंजन आमे तिम्बा अजोग व्यंजन आमे पढ़थिले ए अजोग अजोग माने एमाने कौन सी शब्द रे जोग है कि शब्द गठन करि परिबेनी किंतु अन्य वर्ण को आश्रय करि कि एमाने शब्द गठन रे सहाय हेइ परिबे तेनो एमान को कह जाए आश्रित व्यंजन ए आश्रित व्यंजन वर्ण सहित जोग हेबा द्वारा अर्थ भिन्न हो जाए आम चंद्रबिंदु अनुसार किबा विसर्ग लगाइले शब्दर अर्थ अलग हो जाए केमिति देख आम जदि कहिबा बस बसर अर्थ तुम जानिछ किंतु आमे जदि एठी गोटे कोन करिबा ना आमे एठी गोटे कोन विसर्ग लगे देबा एंती लगे देबा कोन हेला एठी ताले वंश ताले आर अर्थ बदली गला बदलला नै सेमती आमे कह पाई पाई गोटे किंतु आमे जदि एठी कोन करिबा ना चंद्र बिंदुटे लगे दो पाई ताले एठी कहला अर्थ बदली गला पाई पाई अर्थ बदली जाउछि सेमती नाही 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 कहिले आमे बुझुछन्ति कोन ना नाही जो सब था पेट पाखे नाही किंतु ता घर गोटे लगे देले चंद्र बिंदु कोन हे जीव अर्थ बदली गला नाही बुझी पालु कि ताले एटा किमिति आश्रय करिकि शब्द गठन रे सहायक हो जे अनुसार विसर्ग चंद्र बिंदु त माने बुझी पालो ना बुझी पालो नि मते एबे को मु भाबु छी त माने बुझी पाछो ताले विसर्ग अनुसार चंद्र बिंदु स्वाधीन भाव रे शब्द रे गठन रे सहायक हेई पारंती नाही किंतु शब्द गठन रे ए माने अन्य शब्द को सहाय होई अन्य शब्द रो अन्य वर्ण रो आश्रय नै शब्द रो अर्थ को परिवर्तन करी पारंती जिमिति वर्ष एठी गोटे अर्थ एठी विसर्ग लागला बदली गला वर्ष सेमिति जिमिति पाई पाई अर्थ बदली गला चंद्रबिंदु लागला ताहाले देख ताले आमे जानिले एबे ताले आमे तीन प्रकार कौन व्यंजन वर्ण आमे जो आलोचना करथले वर्ग्य अवर्ग्य आश्रित व्यंजन वर्ण आमे आलोचना कले ताले एबे पिला माने देख आमे ताले आज कौन जानिले आमे आज वर्णमाला आमे आज कौन जानले आमे आज जानले कौन ना देख प्रथम आम आगुरी पढ़ी स्वर वर्ण आज आम पढ़ले व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण दुई भाग विभक्त व्यंजन वर्ण तीन भाग विभक्त वर्ग्य व्यंजन अवर्ग्य व्यंजन आश्रित व्यंजन ताहले देख वर्ग्य व्यंजन आम पढ़ले पचीस गोटी वर्ण अवर्ग्य व्यंजन आम पढ़ले चौदह गोटी वर्ण आगर आम पढ़ी स्वर वर्ण अच्छा ताहले आमर स्वर वर्ण हला केते आमे पढ़ी स्वर वर्ण केतोटी अक्षर ना एगार आमे पढ़ी पूर्व पीरियड आज पढ़ले कौन ना देख वर्ग्य व्यंजन आज आम पढ़ले वर्ग्य व्यंजन केतोटी अक्षर ना वर्ग्य व्यंजन हला पचीस टी अक्षर अवर्ग्य व्यंजन आम पढ़ले अवर्ग्य हला केते अवर्ग्य व्यंजन हला केते ना चौदह टी अक्षर ताहले पिला माने देख मोट हला केते ताले मोटर आमर वर्णमाला हला केते ना पचास टी वर्ण ताले तमाने आज बुझी पाल ताले आमर स्वर वर्ण हला केते ना एगार वर्ग्य व्यंजन हला पचीस अवर्ग्य व्यंजन हला चौदह ताले मोट रहला पचास ताले आमर आज वर्णमाला पढ़ा पूरा सरीगला आज आम कौन सब जानले तुम्हें जान ताले आपरे तुम्हें देख जदि किसी बुझी न पार मत तुम पचार जे वर्गीय व्यंजन जोठि ध्वनि उच्चारण बेले से माने एका प्रकार गोटे श्रेणी अंतर्भुक्त होती से वर्गर अंतर्भुक्त करा जाए से अनुसार आम पांच भाग में विभक्त कराई कचट तप अवर्ग्य व्यंजन हला जोठि ध्वनि कौन कहार समस्त स्वतंत्र थाए से वर्गीभूत हूँ दलय हूँ कार आश्रय नि स्वाधीन भाव उच्चारण करती से अवर्ग्य मिश्रित भी जान लवर्ण जोगी तुम जान लाने कौन शब्द निजे व्यवहार होकर अर्थ प्रकाश में साय कर किंतु अन्य वर्ण को आश्रय करिकि शब्दर अर्थ को परिवर्तन करि पारंती तेनो सेमान को कह जाए आश्रित व्यंजन बा सेमान को जाए अजोग बाह वर्ण अजोग बाह माने सेमाने निजे सीधा जोग दियंदिनि अन्यर माध्यम रे जोग दियंदि अजोग बाह वर्ण ताले अजोग बाह वर्ण जानिलो
ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ମିଶିକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ମିଶିକି ଆମର ହେଲା କେତେ ପଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶେଷ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ଯଦି କେହି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନ ବୁଝିପାର ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9658482014 ମତେ ଏଥିରେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝେଇବାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି।